Assalamualaikum, आदर फंगेश अपनी 25th एपिसोड के साथ और एक बहुत बड़े गैप के साथ. और इस गैप की वजूहत तो और काफ़ी थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपना एक तो बिज़नेस में और उसमें बिज़ी था अपने कुछ प्रोजेक्ट्स में. दूसरा ये था कि मैं कुछ अपना मूव हो रहा था पाकिस्तान से आयरलैंड, और एक यही अपनी प्रोफेशन के सिलसिले में एक नई शुरुआत यहाँ पे की है. उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला उसमें मुझे कामयाब करेगा. तो इस सिलसिले में वहाँ पे जब हम वाइंड अप कर रहे होते हैं फैमिली के साथ, मैं मूव हो रहा था यहाँ, तो काफ़ी आपको पता है काफ़ी मामलात होते हैं जिनको तय करना होता है, घर में भी ऑफिस में भी. ऑफिस मेरा जो ERD सोल्यूशन है वो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में चल रहा है और चलता रहेगा. और यहाँ पे कुछ नई जिम्मेदारियाँ हैं, यहाँ पे कुछ नए स्टार्टअप्स हैं जिनको हम देख रहे हैं. इसके बारे में भी मैं आपको आगे चल के तफसीलात वगैरह दूंगा. और पाकिस्तान में मेरे साथ आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हो, या किस तरह मेरी सर्विसेज वहाँ पे, मेरी जो कंपनी है, मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स जो वहाँ पर हैं, वो किस तरह आपके को आपकी सर्विसेज वगैरह हमें वहाँ पर दे सकते हैं, उसका भी आपको मैं वक्तन फवक्तन बताता हूँगा. इस 24th एपिसोड को मैं यहाँ पर, इसमें कोई टॉपिक हम नहीं डिस्कस करते, इसको बस सिर्फ मैं इतनी इतला आपको देना चाह रहा था कि मैं यहाँ पर मूव हो गया हूँ. और अब यहाँ से मैं, यहाँ पर जब आप किसी नए मुल्क में आते हो तो यहाँ की कुछ नई जिम्मेदारियाँ और नए प्रॉब्लम्स और नए इश्यूज जिनको आपने रिजॉल्व करना होता है, सेटलमेंट इश्यूज होते हैं हर तरह के, बच्चों को स्कूल में और घर और हर तरीके से जो एक नया निज़ाम होता है, हम उसको सबको अडॉप्ट करना, उसके हिसाब से अपने आप को कॉन्फ़िगर करना, वो सारा कुछ हमें यहाँ पर करना पड़ा था. इस वजह से सितंबर ऑनवर्ड में यहाँ पर, नवंबर ऑनवर्ड में यहाँ पर कुछ अपनी अडॉप्टेबिलिटी और कुछ अपनी चीज़ों को सेट कर रहा था, बिज़नेस के हवाले से भी और प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी और घर के हवाले से भी. इस वजह से मैं कोई ज़्यादा बिल्कुल भी कोई वीडियो लेक्चर वगैरह कोई नहीं रिकॉर्ड कर सका. लेकिन अभी और उसके बाद फिर यहाँ पर भी बदलती दुनिया है, और फिर कुछ और मसाइल में पूरी दुनिया गिर गई, जैसे कि ये कोविड है, कोरोना वायरस. तो इसमें ये भी एक नया एक मामला पूरी दुनिया में आ गया, जिससे हम मेंटली और हमारा जो प्रोफेशनली मेंटली डोमेस्टिकली हर तरह से हम डिस्टर्ब हुए हुए हैं और उससे हम गुजर रहे हैं. इसके मतलब भी हम बात करेंगे कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या चीज़ है और किस तरह क्या क्यों हुआ, कैसे हुआ. मेरी कोई ऐसी कोई नॉलेज इसके बारे में तो है नहीं, लेकिन कुछ रिसर्च है कुछ इस चीज़ में उसमें, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगा अगली वीडियो में. नेक्स्ट कुछ वीडियोस, मेरे कुछ चीज़ें हैं जो मैं डिसाइड कर चुका था कि मैं जब भी वीडियोस स्टार्ट करूँगा तो मैं उन टॉपिक्स के साथ स्टार्ट करूँगा. तो वो टॉपिक्स मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट कुछ जो दो तीन वीडियोस आएंगी उसमें मैं वो जो मेरे जहन में हैं कुछ टॉपिक्स, कुछ बिजनेसेस जिनको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो मैं आपसे करूँगा. उसके बाद फिर हम कोरोना के ऊपर भी बात करेंगे. व्हाट इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज़ माय हम्बल एंड स्मॉल पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट इट, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इसका इम्पैक्ट क्या होगा आगे बिजनेस में, टेक्नोलॉजी में और अदर थिंग्स, और ओवरऑल इंसान के जो मेंटल अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ वो काफ़ी चेंज होगी. उसको हम मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा.
इस वीडियो में सिर्फ मुझे ये बताना था कि मैं अपना सिलसिला अब शुरू कर रहा हूँ दोबारा, जो भी मेरे पास नॉलेज है रहूँगा मैं अपने टॉपिक पे ही। मेरा टॉपिक टेक्नोलॉजी है, ई बिज़नेस है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, कंप्यूटर्स, आईटी इंडस्ट्री, आईसीटी, कम्युनिकेशन, इनसे मैं आगे नहीं जा सकता। मेरी नॉलेज, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि सोशल इश्यूज़ या पॉलिटिकल इश्यूज़ पे भी बात कर लेंगे, तो गो के मेरी कुछ अप्रोचेस हैं उस उन टॉपिक्स के ऊपर, कुछ सोशल इश्यूज़ के ऊपर और कुछ इन चीज़ों के ऊपर आई हैव सर्टन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन मैं, हो सकता है कोई और नया एक चैनल बना लूँ जिस आगे चल के, जिसको मैं सोशल और पॉलिटिकल और इस तरह के इश्यूज़ पर बात कर लूँ, लेकिन आई डोंट नो, मैं अपने टॉपिक से हटना नहीं चाहता। तो और अब यहाँ पे मैं नई दुनिया देख रहा हूँ, पहले भी बाहर आया लेकिन वो तो विजिट थे सिर्फ, लेकिन अभी ये है कि क्योंकि यहाँ पर अब सेटअप कर लिया है सारा और यहीं पे कोशिश करेंगे कि कदम जमाएं, तो यहाँ के मतलब जो यहाँ की आयरलैंड इस वक्त यूरोप में आईटी के हवाले से काफ़ी आगे जा रहा है। अब पता नहीं क्या होता है कोरोना क्राइसिस के बाद इकॉनमीज़, क्योंकि ओवरऑल पूरी दुनिया में बड़े बड़े मुल्कों की डाउन हो रही हैं या डाउन की जा रही हैं, तो ये एक छोटा सा मुल्क है, अराउंड 4.8 मिलियन लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ और पिछले 10 सालों में इसने बहुत ड्रास्टिकली चेंज किया अपने आप को, अपनी अप्रोच को, और आईटी में ख़ास तौर पे और कंस्ट्रक्शन के हवाले से और आईटी के हवाले से और एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से इसने बहुत इम्प्रूवमेंट की है अपने, और बहुत तेज़ी से अपने आप को डेवलप्ड कंट्रीज़ में लेकर आया है। और आईटी खास मैंने जो अभी तक यहाँ देखा है, तमाम जो बिग गन्स हैं आईटी की, उन तमाम के यूरोपियन हेडक्वार्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, और एक बहुत बड़ा बिज़नेस सेंटर्स हैं, हर कंट्री, हर सिटी में, हर काउंटी में बिज़नेस सेंटर्स बन रहे हैं जहाँ पे बड़े अच्छे जो टॉप के आईटी कंपनीज़ हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। और क्योंकि ब्रेग्ज़िट हो रहा था, तो ब्रेग्ज़िट की वजह से भी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ जो कि पहले यूरोप में इंग्लैंड में थी, अराउंड 70 कंपनीज़ समबडी टोल्ड मी के जो आयरलैंड शिफ्ट हुई हैं, और उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत सारा क्राइसिस भी, होम क्राइसिस भी आया कि घर मिलना मुश्किल हो गया, क्योंकि जब 70-100 कंपनीज़ इकट्ठी यहाँ पे आती हैं तो उनका बहुत सारा जो स्टाफ है वो भी शिफ्ट होता है। तो फिर दूसरा, यहाँ पे इमिग्रेशन और उसकी जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं लोगों को, ये सेट कर रहे हैं पूरे जो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश इनकी मोस्ट फेवरेट कंट्रीज़ हैं जहाँ से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो और आईटी के डॉक्टर्स हमेशा से यहाँ पर पाकिस्तानी डॉक्टर्स को बहुत पसंद किया जाता है, और मैं अभी ना करे कि मेरा कभी जाना तो नहीं हुआ यहाँ पे किसी हॉस्पिटल में, लेकिन मैंने सुना है कि हर हॉस्पिटल में बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानी डॉक्टर्स के, और बहुत तेज़ी से पाकिस्तानी डॉक्टर्स और नर्सेज जो हैं वो पाकिस्तान से यहाँ पर आते हैं, काम करते हैं, इंडिया से आते हैं। लोग बड़े अच्छे हैं, लोग फ्रेंडली हैं, और ठीक हैं, अगर आप उनके साथ ठीक रहते हैं वो भी आपके साथ ठीक रहते हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं हर प्रोफेशन। और तो बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं क्योंकि यहाँ शिफ्ट हुआ, इस वजह से मैं बहुत सारी टाइम मेरा लग गया, तो मैं वीडियोस नहीं बना सका टॉपिक्स पे ऊपर, लेकिन अभी मैंने एक बहुत लंबी फहरिस्त बना रखी है आईटी के हवाले से और ओवरऑल बिज़नेस अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड, और क्या होता है, हमें किस तरह अपने आप को चेंज करना है, उसकी वो लिस्ट के मुताबिक मैं कोशिश करूँगा कि वीकली 2 या 3 वीडियोज़ रिकॉर्ड करूं और इसमें अपलोड करूं। तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे बहुत कुछ आने वाला है।
मैंने सिलसिला लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था वो एंटरप्रेन्योर्स के साथ, तो फिर क्योंकि मेरा यहाँ का हो गया बाहर का, तो वो सिलसिला थोड़ा सा टूट गया। उसमें भी मैं बहुत सारे जो पाकिस्तानी अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि कामयाब हो रहे हैं उनके साथ मैं रबते में हूँ, तो कोशिश करूँगा कि उनको भी मैं ऑनलाइन लाऊँ। और कुछ यहाँ पे जो पाकिस्तानी फॉरनर्स जो अच्छे बिजनेस चल रहे हैं, प्रोफेशनल हैं, कोशिश करूँगा कि उनको भी ऑनलाइन यहाँ पे लाऊँ, और आगे चल के कोई लाइव सेशंस भी मेरा करने का इरादा है जिसमें मैं यहाँ के एक्सपर्ट्स वगैरह को ऑनलाइन लाऊँगा। पाकिस्तान में बहुत सारी बॉडीज़ हैं जो ई कॉमर्स ई बिज़नेस को फ्लरिश कर रही हैं और वो मेरे साथ रबते में हैं, तो उनके थ्रू भी मैं कोशिश करूँगा कि उनको यहाँ पे कोई चैनलाइज करने की कोशिश करूँ, और यहाँ की स्किल्स, क्योंकि यहाँ पे दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, आईटी के इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो कोशिश करेंगे कि कोई एक नेटवर्क बन जाए बिटवीन, और मैं यहाँ से आपको इस खत्ते से जो इस यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके बारे में भी बताऊँ कि यहाँ पे इनकी क्या सोच है टुवर्ड्स फ्यूचर टेक्नोलॉजीज एंड बिजनेस। तो ये लंबी बात हो रही, तो अब वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो का, जो कि देखता हूँ मैं, मेरे पास यानी बहुत कुछ है मेरे जहन में, मैं देख रहा हूँ कि किस चीज़ पे बात की जाए नेक्स्ट और फिर आगे सिलसिला शुरू किया जाए। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब करने में भूलिए। थैंक यू वेरी मच।